हेलो मेरे दोस्तों नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इंटर्नशिप लेके आया हूं इस इंटर्नशिप के अंदर हर कोई अप्लाई कर सकता है चाहे आप कॉमर्स से हो या फिर आप साइंस स्ट्रीम से हो या फिर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो तो अगर आप कोई भी हैं और कोई भी कोर्स कर रही हैं ग्रेजुएशन का तो आप इसमें अप्लाई कर सकती है या फिर अगर आप आपका कोई पैशन रहा हो कि आपको बैंकिंग में कैरियर बनाना है या बैंक में जाके आपको काम करना है या बैंक से रिलेटेड कोई जॉब करनी है या फाइनेंस अकाउंटिंग में आपको जॉब करनी है तो ये बहुत अच्छा मौका है कि जो भी कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स है, हैं जो कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो इस इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हैं जी हाँ ये इंटर्नशिप निकल के आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपके सामने इंटर्नशिप लिखा हुआ है ये ये देख लीजिए यहाँ पे समर इंटर्नशिप लिखा हुआ है और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर निकल के आई है तो इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है चाहे आप गवर्नमेंट से पढ़ रहे हो प्राइवेट से पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर में हो सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में हो फोर्थ ईयर में हो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है आगे हम बात करते हैं जरा कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है सिलेक्शन करने के लिए इन्होंने दो तरीके रखे हैं. एक तो पर्सनल इंटरव्यू और दूसरा रहेगा आपका ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे ही सिलेक्शन ले लिया जाएगा बट अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा रहेंगे तब देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर नंबर ऑफ पहले पर्सनल इंटरव्यू लिखा हुआ है एंड ग्रुप डिस्कशन लिखा हुआ है तो ग्रुप डिस्कशन ये तभी है करेंगे जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तभी ये ग्रुप डिस्कशन करेंगे अदरवाइज ये पर्सनल थोड़ा सा इंटरव्यू लेंगे उसी बेस पे ही ये डिसाइड कर लेंगे कि किसको किसको सेलेक्ट करना है किसको नहीं आगे बात करते हैं की इसमें दो टाइप की इंटर्नशिप दी गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर दो टाइप की इंटर्नशिप निकल के आई है एक टाइप के बच्चों को सिलेक्ट करेंगे जिसको पैसा दिया जाएगा इंटर्नशिप करने का पैसा दिया जाएगा एक टाइप के बच्चों को बी टाइप के बच्चे को जो दूसरे कैटेगरी के होंगे वो नॉन स्टेपन कैटेगरी आएगी जिन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा इंटर्नशिप करने का तो इंटर्नशिप करने का आपको पैसा मिल भी सकता है, करने का आपको पैसा नहीं भी मिल सकता है, इन्होंने दो ना भी मिले. नहीं है कि आपको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एसबीआई के अंदर इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा और जब एसबीआई के अंदर आप इंटर्नशिप करेंगे तो डेफिनेटली यहां से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा जिसके बेस पे आप प्राइवेट बैंक में भी नौकरी ले सकते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप इंटर्नशिप करें करेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा प्राइवेट कंपनीज के लिए तो ये इंटर्नशिप निकल के आई है एसबीआई के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है आगे चलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पहले मैंने अप्लीकेबिलिटी मैंने आपको बता दी कौन कौन लोग अपलीकेबल है फिर मैंने सिलेक्शन प्रोसीजर भी बता दिया है अब आगे चलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए पहला आपको केवाईसी केवाईसी के, के, के डॉक्यूमेंट चाहिए जैसे कि आधार कार्ड हो गया आपका कॉलेज की आईडी हो गई आपकी या फिर आपका पैन कार्ड हो गया या वोटर आईडी कार्ड हो गया तो यही सब चीजें चाहिए होती वो इसे हम केवाईसी डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं इनमें से कोई भी एक चीज हो जाएगी तो भी चलेगी दूसरा क्योंकि ये ये इंटर्नशिप उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं इसीलिए उन बच्चों को एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना होगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कॉलेज कॉलेज से दिया जाता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का मतलब ये होता है कि कॉलेज वाले को आपके एसबीआई के अंदर इंटर्नशिप करने से कोई परेशानी नहीं है तो कॉलेज वाले आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देंगे वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा तो आपको कितने डॉक्यूमेंट चाहिए एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए जो कॉलेज वाले देंगे दूसरा आपको के के लिए चाहे आपका आधार कार्ड हो पैन कार्ड हो ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आपका वोटर आई कार्ड हो ये डॉक्यूमेंट चाहिए अब आगे बात करते हैं कि किन किन स्टेट्स में है तो आप देख लीजिए ये कौन कौन से स्टेट्स में है अहमदाबाद अहमदाबाद अमरावती बेंगलुरु भोपाल भुवनेश्वर चंडीगढ़ दिल्ली जयपुर कोलकाता महाराष्ट्र गुवाहाटी पटना हैदराबाद तिरुवंतरमपुरम मुंबई मेट्रो इतनी जगहों इतने सर्कल्स में ये है और ये लगभग सारे स्टेट्स के अंदर है आप देख लो ये सारे स्टेट्स के अंदर यहाँ पे दिया गया है तो आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका रहेगा और इसमें आपको स्टेपेंट मिल भी सकता है और आपको इसमें स्टिपेंट नहीं भी मिल सकता है तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ही इसमें अप्लाई करेंगे Now, बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने ईमेल आईडी दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए बट आपको अप्लाई डायरेक्ट करना होगा आपको अपने नियरेस्ट आपको अपने नियरेस्ट एस के ब्रांच में जाना होगा और वहां पे जाके बोलना होगा देख लीजिए मैं आपको फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में लेके चलता हूँ यहाँ पे लिखा हाउ 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 स्टूडेंट स्टूडेंट कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप अंडर दिस स्कीम तो वहाँ पे सबसे पहले आपको आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाएंगे आप अपने एस के नियरेस्ट ब्रांच में जाएंगे वहां के एल डी डिपार्टमेंट में जाएंगे वहां के एल एन डी डिपार्टमेंट में जाएंगे और वहां पे जाके बोल देंगे कि मुझे इंटर्नशिप करनी है उसके लिए मुझे आगे का प्रोसीजर बताइए या मुझे वहाँ से आगे का फॉर्म दीजिए तो जब आप वहां के एस के किसी भी ब्रांच के डिपार्टमेंट में जाएंगे तब वहां से आपको फॉर्म दिया जाएगा फिर उस फॉर्म को आप भरेंगे और वही आपको आगे भी गाइड करेंगे कि किस तरीके से चीजों को करनी है और आगे इस फॉर्म को कहां पे सबमिट करना है सबमिट भी आपको वहीं पे करना होगा ठीक है तो एल एन डी डिपार्टमेंट वाले लोग ही आपको फॉर्म देंगे ये हर सर्कल में मौजूद होंगे और वो आपको फॉर्म देंगे और उसी फॉर्म के बेस पे आपको भरना होगा और अपने डॉक्यूमेंट सब करने होंगे जैसे आधार कार्ड और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म उसको सबमिट करना होगा वहीं पे उसके बाद में वही लोग आपको सिलेक्शन सिलेक्शन करके बताएंगे कि कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है तो ये बहुत अच्छी इंटर्नशिप निकल के आई है ये बच्चों के लिए जो लोग बैंक में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं ठीक है तो मैंने आपको बता दिया आपको अप्लाई कैसे करना है इस तरीके से दूसरा तरीका ये है कि आप इस ईमेल आई पे जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं इस ईमेल आई पे सपोज कीजिए कोई दिल्ली से बिलोंग

क्या आपको क्या क्या आप कोई भी स्टूडेंट किसी जगह के लिए अप्लाई कर सकता है yes, यस कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट के लिए इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकता है मान लीजिए कोई दिल्ली का है वो चाहता है कि वो जाके यूपी के, के लखनऊ में इंटर्नशिप करे तो वहां के लिए भी वो अप्लाई कर सकता है सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने बता दिया पहले पर्सनल इंटरव्यू होगा अगर जरूरत पड़ी तब वो डिस, ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे इनका अच्छा डिपार्टमेंट होगा यही करेगा इस बात का आपको ध्यान में रखिए आपको सिर्फ स्टिपन दिया जाएगा दो कैटेगरी है कुछ बच्चे को इंटर्नशिप करने के पैसे दिए जाएंगे कुछ बच्चों को इंटर्नशिप करने के पैसे नहीं दिए जाएंगे तो आपको आने जाने का खर्चा रहने रहने का खर्चा कुछ भी दिया नहीं जाएगा सिर्फ कुछ स्टेपेंड ही दिया जाएगा ठीक है तो आपको ये बातों का ध्यान में रखना है और इंटर्नशिप खत्म होने के बाद आपको वहां पे कोई परमानेंट जॉब नहीं है ये ये एक तरीके से इंटर्नशिप है जहाँ पे आप बहुत सारी चीजों को सीखेंगे जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा प्रोजेक्ट में किस तरीके से काम करना है कोर्डिनेशन किस तरीके से करना है बैंक में क्या क्या काम होते हैं इससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा उस बेस पे आप दूसरी कंपनी में या दूसरे बैंक के अंदर जाके अप्लाई कर सकते हैं और आपको एक अच्छी नौकरी भी मिल सकती है तो यही फायदा होता है

रहे हो ग्रेजुएशन कर रहे हो, हो किसी भी ईयर में हो हर कोई इसको अप्लाई कर सकता है तो मैंने अप्लाई का प्रोसीजर भी बता ही दिया है ठीक है है ठीक तो इसी तरीके से आपको मैं और और इंटर्नशिप लेके आता रहूंगा आप अगर कोई किसी को जानते हैं हैं जिसको इस वीडियो की जरूरत था, उसे शेयर कर सकते हैं, और सबसे पहले आप इसमें अप्लाई कीजिए इस इंटर्नशिप के अंदर जरूर से जरूर कोई भी डाउट आता है कोई भी परेशानी आती है प्लीज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए उस ग्रुप में पूछे मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर वहां पे है मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए सारी डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा कुछ भी प्रॉब्लम होती है आपको तो या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ तक सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको आई होप कवर कर दिया फिर भी कुछ बचता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं फिलहाल के लिए मैं इस इंटर्नशिप में इतना ही रखूंगा मिलूंगा अगले वीडियो में आपसे